सुन्नत की नियत से वलीमा करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए इसके मफहूम में फरमाया, जो लोग शोहरत के लिए, दिखावे के लिए अमल करते हैं यानी वलीमा करते हैं, क़यामत में उनको जलील करेगा अल्लाह ताला। और एक हदीस पाक में इसका मफहूम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, किसी बदतरीन खाना मतलब वो है जो अमीर खाएँ और गरीब को उसमें न बुलाया जाए। और अल्लाह सुब्हानहु तआला का इरशाद है, और तुम ज़ाहरी और बातिनी दोनों किस्म के गुनाह छोड़ दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जब तुम में से किसी को वलीमे की दावत दी जाए तो वो वलीमे में जाए, यानी इग्नोर ना मारे, चक्कर नहीं, मतलब गुस्सा, दिखावा या किसी वजह से, ऐब की वजह से नहीं जा रहा है, लेकिन चाहे खामखा ना छोड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मौके पर खाने की दावत दी गई तो आप तशरीफ़ ले गए, लेकिन जब घर के दरवाजे पर तस्वीर वाला पर्दा देखा तो वापस लौट आए। कितने दिन वलीमा किया जा सकता है, इसका ताल्लुक उर्फ से, हमारे उर्फ में एक दिन वलीमा होता है, बस दो दिन वलीमा करना दिखलावा है, और हदीस में है कि दो दिन तक वलीमा कर सकते हैं तो तीन दिन वलीमा करना दिखावा है। बुखारी शरीफ की बाब में है, मतलब यानी सात दिन तक वलीमा हो सकता है। अल्लामा ऐनी और हाफिज असकलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बाब को के तहत सात दिन तक वलीमा करने के मुतअद्दिद आसार बयान किए हैं। गर्द उलमा फरमाते हैं कि इसका ताल्लुक उर्फ से है, उर्फ से ज़्यादा वलीमा करना दिखावा है और ममनू है।